नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेबीपी चैनल पर। कल के वीडियो में आपने मैनेजरियल अकाउंटिंग से, जो कि सिक्स एम बीकॉम सिक्स एम का सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस से मटेरियल का प्रॉब्लम देखा था। अभी मैं आप लोगों को लेबर का प्रॉब्लम करके दिखाने वाला हूँ, और हो सका तो इसी वीडियो में मैं आपको एक सेल्स वेरियंस का भी प्रॉब्लम करके दिखा दूंगा। वैसे तो इसके अंदर चार मेथड है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है और सेल्स वेरियंस है, लेकिन मैक्सिमम आपको मटेरियल और लेबर ही पूछेगा। फिर भी मैं सेफ साइड आपको एक और सेल्स वेरियंस का भी करके दिखा देता हूँ। फिलहाल ये रहा आपका लेबर का प्रॉब्लम। लेकिन लेबर का प्रॉब्लम करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ है, फार्मूले। फार्मूले जो मटेरियल में थे वही लेबर में भी पाए जाते हैं, सेम के सेम, बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा फर्क हो जाता है। चलिए पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर ये प्रॉब्लम हम करेंगे। अब जैसे कि मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फार्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फार्मूला है MCV इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, और यहां पर हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरियंस। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर, क्वांटिटी की बदले हो जाएगा आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, प्राइस की जगह हो जाएगा रेट, माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। बस इसी तरीके के पूरे फार्मूले रहेंगे। दरअसल मटेरियल में जो फार्मूले थे वही फार्मूले हैं, बस थोड़ा बदलाव है। इसी अंदाज में जैसे कि मटेरियल प्राइस वेरियंस का फार्मूला था, उसका फार्मूला था AQ SP माइनस AP। अब ये हो जाएगा लेबर रेट वेरियंस, प्राइस हो सो रेट बन जाएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी की जगह बन जाएगा एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल प्राइस की जगह हो जाएगा एक्चुअल रेट। ये हो गए आपके दो फार्मूले। तीसरा फार्मूला याद कीजिए, मटेरियल यूसेज वेरियंस था। ये फार्मूला क्या था? SP SQ माइनस AQ। अब यह हो जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। इधर मटेरियल यूसेज यानी कि मटेरियल किस हद तक किस तरीके से यूज हो रहा, तो इंसान जब यूज होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, क्योंकि मटेरियल सामान है, लेबर तो इंसान है। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज इक्वल टू SP बन जाएगा SR, SQ SH, AQ AH। एक फार्मूला और, मेटेरियल मिक्स वेरियंस, फार्मूला था SP RQ माइनस AQ। यहां पर हो जाएगा लेबर मिक्स वेरियंस SR RH रिवाइज्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो इस तरीके से पूरे फार्मूले बदल जाएंगे। फिलहाल मैक्सिमम ये चार पे पूछता, इसीलिए मैं एक प्रॉब्लम ये चारों फार्मूले को कवर करता हुआ आप लोगों को दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, वो प्रॉब्लम में यही चार फार्मूले पूछा गया है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एंड रेट पेमेंट पर यूनिट ऑफ आर्टिकल AR एज फॉलोस। तीन किस्म के लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 10 आवर्स, 80 आवर्स, 16 आवर्स। ये 80 नहीं है, ये दरअसल 8 है, गलती से प्रिंट हो गया। रेट पर आवर है, मतलब प्राइस है 3 रुपये, 1.5 और 1 रुपये, ये टोटल है। देखिएगा, 8 से 1.5 को इंटू होगा तो ही 12 आएगा ना। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 1000 आर्टिकल ऑफ ए, फॉर विच द एक्चुअल आवर्स वर्क एंड रेट आर गिवेन बिलो। ऊपर की इंफॉर्मेशन पर यूनिट है, पर यूनिट। नीचे वाली इंफॉर्मेशन 1000 टाइम्स ज्यादा है, इधर 10 है तो इधर 9000 है,
तो ये इंफॉर्मेशन का डिफरेंस कभी भी नहीं रहना प्रॉब्लम में। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल के मुताबिक स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर लेना कभी भी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन को 1000 से इंटू करेंगे, ये वाले 1000 से। अब ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 16,000। तो बात बराबरी की हो जाएंगी। ये है रेट, इन तीनों के रेट, और ये है अमाउंट। देखिए, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस और लेबर मिक्स वेरियंस। तो ये है प्रॉब्लम, मैं अब इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन फिट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन देखिए, 10,000 आवर्स, ये है 8,000 आवर्स, और ये हो जाएंगे 16,000 आवर्स। 1000 से इंटू करने पर सभी को, इनका रेट है 3 रुपये, 1.5 डेढ़ रुपया और 1 रुपये। अब ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएंगे 30,000, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 16,000। अब एक्चुअल आवर्स की देखिए इंफॉर्मेशन, 9,000, 8,400 और 20,000। रेट है 4, 1.5 और 0.90, 90 पैसा। तो ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 12,600 और ये हो जाएगा 18,000 रुपीस। अब RH निकाल लेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये टोटल कर लेते हैं। ये टोटल हो जाएगा, देखिएगा, 10,000, 8,000 और 16,000, 34,000। और यहाँ का टोटल है 9,000, 8,400 और 20,000, 37,400। अब आपको ये तरीका तो याद ही होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 34,000 इंटू 37,400 करने पे ये आएगा 10,000 बाई 34 इंटू 37,400 करने पर कितना आएगा, देखिए 10,000 34 इंटू 37,400, ये है 11,000। असल में 11,000 है वो। फिर ये 8,000 बाई 34 इंटू 37,400, ये हो जाएगा आपका 8,800। नाइन 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 का मतलब आप राउंड ऑफ ले सकते हो उसका, 8,800। तीसरा देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 37,400, ये आ जाएगा आपको 17,600। चलिए अब फार्मूले स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरियंस फार्मूला, SR, SH, SR, AH, AR। तो ये दोनों का ऑलरेडी आपने इंटू करके रखा ही है यहाँ पर, तो ले लेंगे ये डायरेक्टली 30,000 और ये है 36,000, ये आ जाएगा आपको 6,000 एडवर्स यहाँ पर देखिए। फिर 12,000 और 12,600, ये भी आ जाएगा आपको नेगेटिव में एडवर्स। फिर तीसरा अनस्किल्ड 16,000, 18,000, ये भी आपको नेगेटिव ही आएगा 2,000। तो कुल मिलाकर टोटल हुआ 8,600 एडवर्स। अब दूसरा फार्मूला है लेबर रेट वेरियंस, AH SR माइनस AR। तो AH देखिएगा 9,000 है, 8,400 है और 20,000 है। अब SR देखिए, 3 रुपीस, 1.5 और 1। AR 4 रुपीस, 1.5 और 0.9। तब ये हो जाएगा 9,000 माइनस 1, यानी कि 9,000 एडवर्स, और ये 8,400 0, यानी कि 0। ये हो जाएगा 20,000 0.1, यानी कि ये हो जाएगा जस्ट 2,000, लेकिन ये है फेवरेबल।
आपका आंसर आएगा टोटल 7000 एडवर्स। तो अब हमारा तीसरा फार्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एसआर। तीनों के एसआर देखिएगा, 3 है, 1.5 है और 1 है। और एसएच है 10,000, दूसरे का 8,000, तीसरे का 16,000। फिर एएच है सो 9,000 है, दूसरे का 8,400 है और 20,000 है। अब ये हो जाएगा 3,1,000, यानी कि 3,000 फेवरेबल। दूसरा 1.5 माइनस 400, यानी कि 600 नेगेटिव एडवर्स। ये हो जाएगा 1 माइनस 4,000, यानी कि 4,000 एडवर्स। तो कुल मिलाकर ये दो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 1600 एडवर्स। टोटल एडवर्स ज़्यादा है, 4,600। अब आखिरी फार्मूला है लेबर मिक्स वेरिएंस। आप चाहे तो इनका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों का टोटल क्या कॉस्ट के बराबर है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बराबर है? यहीं पर ही देख लीजिए, 7,000 और 1,600, यानी कि 8,600, जो कि इसके बराबर है। अभी हम लेबर मिक्स वेरिएंस कर लेंगे। आखिरी फार्मूला देखिए, लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है एसआर आरएच माइनस एएच। एसआर है सो 3, 1.5 और 1 है, और आरएच हमने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा, आरएच 11,000, 8,800, 17,600 है। ये देखिए, और ये एएच है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब तो 3 का 3 ये हो जाएगा 2,000, तो ये आ जाएगा 6,000 फेवरेबल। इसके बाद में 1.5 और 400 पॉजिटिव बचेगा, यानी कि 600 ये भी फेवरेबल। अब इसके बाद 1 ये है सो 2,400 नेगेटिव में बचेगा, तो 2,400 एडवर्स। कुल मिला के आपको आंसर आ जाएगा, देखिए 6,600 में से 2,400 जाने पर 4,200, 4,200 फेवरेबल। बस इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए अब सेल्स वेरिएंस के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले उसके भी फार्मूले के बारे में एक नज़र डाल लीजिए। मटेरियल के फार्मूले हमेशा याद रखिए आप, इनके बेसिस पे ही सब फार्मूले हैं। तो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है, SQ इंटू SP, AQ इंटू AP। बस इसमें सेल्स वेरिएंस में होता यह है कि इसमें देखिए आप, यह स्टैंडर्ड पहले है और एक्चुअल बाद में, इसका रिवर्स, एक्चुअल पहले आ जाएगा, स्टैंडर्ड बाद में हो जाएगा। यानी कि AQ इंटू AP माइनस SQ इंटू SP, ये तरीके से बदल जाएगा। अब यह है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या फार्मूला है, AQ SP माइनस AP। अब ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, AP माइनस SP इंटू AQ। चाहे तो आप AQ को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन तरीका सही लिखने का यही है। अब ये देखिए, चाहे तो मैं SP की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ, और इन अंदर के वैल्यू को बदलना है दरअसल, लेकिन असली में ऐसा करना आप, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बन जाता ही है, AQ पहले आएगा माइनस SQ इंटू SP। चाहे तो SP शुरू में भी लिख सकते, मैं वही समझाना चाह रहा था आपको। अब है मिक्स वेरिएंस, SP RQ माइनस AQ, सेम फार्मूला, बस एक्चुअल पहले, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस RQ रिवाइज्ड क्वांटिटी और इंटू SP। बस तो इस अंदाज से ये फार्मूले बदलते हैं, एक्चुअल पहले आता, उसके बाद में स्टैंडर्ड आता, कभी भी हर फार्मूले में देखिए। मटेरियल के ही फार्मूले है सेल्स में भी, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, एक्चुअल पहले है, स्टैंडर्ड बाद में है।
अब इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं जल्दी फास्ट आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। तो चलिए, ये है प्रॉब्लम आपका, प्रॉब्लम नंबर 35। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट सेल्स वेरियंसेस। दो प्रोडक्ट है ए और बी, स्टैंडर्ड दिया सबसे पहले 1500, 1000, 30 और 50, फिर एक्चुअल दिया 2000 और 700, 29 और 50। इसे बॉक्स में फिट करेंगे, मटेरियल का ही बॉक्स, सेम बॉक्स फॉलो करना, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 1500 और 1000, रेट है 30 और 50, टोटल हुआ 2500। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अभी। एक्चुअल देखिए 2000 है और 700, प्राइस है 29 और 50। चलिए अब मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होता है, ये 1500 इंटू 30, 45,000, और ये हो जाएगा 50,000। यहाँ पर 2000 इंटू 29, 58,000, और ये हो जाएगा 700 इंटू 50, 35,000। इसका टोटल 2700। अब ये भी मालूम कर लेंगे एस क्यू, 1500 बाई 2500 इंटू 2700, 1620। और ये देखिए 1000 बाई 2500 इंटू 2700, 1080। चलिए अब एक एक करके फार्मूले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है सेल्स वैल्यू वेरियंस, वैल्यू वेरियंस पढ़ना इसको। तो सेल्स वैल्यू वेरियंस पहला फार्मूला, फार्मूला है ए क्यू इंटू ए पी माइनस एस क्यू इंटू एस पी। ए और बी दो प्रोडक्ट है, पहले वाले का आप मल्टीप्लाई करके रखें 58,000 माइनस 45,000, ये है आपका 13,000 प्लस में फेवरेबल। दूसरा देखिए 35 और 50, 35,000 और माइनस 50,000, यानी कि नेगेटिव में आएगा आपको 15,000 एडवर्स। तो कुल मिलाकर 2000 आया आपको एडवर्स। फिर दूसरा फार्मूला है आपका सेल्स प्राइस वेरियंस इज इक्वल टू, यह फार्मूला देखिए ए पी माइनस एस पी इंटू ए क्यू। तो ए और बी दो प्रोडक्ट, एपी देखिए कितना कितना है, 129 और 50 है, एसपी 30 और 50 है, एक्यू क्या है 2000 और 700। अब ये मल्टीप्लाई करने पर देखिएगा क्या आता है, 29 माइनस 30 यानी कि 1 इंटू 2000 यानी कि 2000 नेगेटिव ए, और ये 0 जीरो ही होगा, तो 2000 एडवर्स। तीसरे नंबर का फार्मूला है सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, इसका फार्मूला है ए क्यू इंटू सॉरी एस क्यू इंटू एस पी। ए और बी दो प्रोडक्ट, ए क्यू देखिएगा ध्यान से, दोनों के ए क्यू है 2000 और 700 माइनस एस क्यू है 1500 और 1000, एस पी है 30 और 50। तो ये आ जाएगा आपको 500 रुपये इंटू 30 यानी कि 15,000 फेवरेबल, और दूसरा 300 नेगेटिव में इंटू 50, ये भी आएगा आपको 15,000 सेम
यह है आपका एडवर्स, तो आंसर हुआ जीरो। अब तीसरा फार्मूला है सेल्स मिक्स वेरियंस, चौथा फार्मूला सॉरी। देखिए तो अब चौथा फार्मूला है आपका ए क्यू इंटू आर क्यू इंटू एस पी, ए और बी दो प्रोडक्ट। ए क्यू देखिएगा ध्यान से 2000 है और दूसरे वाले का 700 है। आर क्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, देखिए 1620 और दूसरे का 1080। अब एस पी है 30 और 50, ये हो जाएगा सॉरी ये माइनस था, तो 2000 में से 1620 जाने पर बन जाएगा 380 इंटू 30 और ये हो जाएगा माइनस में बचेगा ये 380 नेगेटिव में बचेगा इंटू 50। तो देखिए कितना आता है 380 इंटू 30 करने पर 11400 फेवरेबल और ये 380 इंटू 50 करने पर 19000 एडवर्स। तो कुल मिलाकर आपको आंसर आएगा 7600 एडवर्स। इन सबके अलावा एक फार्मूला और है सेल्स क्वांटिटी वेरियंस, ये फार्मूला देखिए ध्यान से, आर क्यू माइनस एस क्यू इंटू एस पी, ये फार्मूला है इसका। तो आर क्यू कितना है, ए और बी दो प्रोडक्ट। आर क्यू है 1620 1080, एस क्यू देखिएगा 1500 एक है और 1000 एक है, एस पी 30 और 50 है। अब ये हो जाएगा देखिए 120 इंटू 30 और ये हो जाएगा जस्ट 80 इंटू 50। 120 इंटू 30 करने पर 3600 फेवरेबल और ये हो जाएगा 80 इंटू 50 करने पर 4000 फेवरेबल। कुल मिलाकर यह होगा 7600 फेवरेबल। तो इस तरीके से सेल्स वेरियंस फाइंड आउट किया जाता है।